आइए मैम, आ जाइए प्लीज। थोड़ा इधर भाई लोग पीछे आ जाओ, कैमरे में तुम पता चलता है। ये मोबाइल देते रहा श्रीनिवास बूम लिख क्या, बूम लिख क्या, सेंटर अरे यार उधर का तो चलो बाइट। रीता मोदी जी, आपकी फिल्म आ रही है, इसके बारे में बताइए और इसके टाइटल के बारे में बताइए, क्योंकि ये बंगाली फिल्म है। जी जी, फाटा फाटी मतलब एकदम धमाकेदार, औसम, मतलब बहुत सही। सो इसमें फिल्म में जो मेरा किरदार है वो एक बहुत ही साधारण लड़की का है, और जिसकी जिंदगी असाधारण हो जाती है, असाधारण हिंदी की और बेहतरीन हो जाती है। एंड वो बेहतरीन जर्नी को ही वो अपने आप को मिस फाटाफाटी के नाम से बुलाती है। तो एक नॉर्मल प्लस साइज इंसान से प्लस साइज मॉडल इन सुपर मॉडल की तरफ उनका जर्नी के बारे में फाटाफाटी। अब इस जर्नी में उनका उनका फैमिली, उनका लव स्टोरी, उनका हस्बैंड, उनके फ्रेंड्स, हाउ दे ऑल कम टुगेदर एंड इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर यू नो ऑल द चैलेंजेस एक्चुअली बिकम समथिंग दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर इंस्टेड ऑफ वीकर। यू नो जब कोई बचपन से ये सुनते हुए बड़ी हुई कि आप मोटी हो, आप हाथी जैसे दिखते हो, उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो बंदी का बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था ग्रोइंग अप, उसको इतना फैशन पसंद था, बट शी इज़ लाइक मैं क्यों सजूँ, मैं तो हमेशा साइड में होती हूँ ना, एकदम मेन में हमेशा स्लिम एकदम छोटी कमर वाली लड़की होती है। बट इवेंचुअली इस जर्नी में वो कैसे अपने आप को खोज के निकालती है, हाउ डू आई पुट दैट, हाउ शी फाइंड्स हर सेल्फ एंड हाउ शी थ्राइव्स थ्रू, दैट्स व्हाट फाटाफाटी इज अबाउट। आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने ऐसा कुछ बोला हुआ? जी हुआ है ना, लास्ट ईयर जब मेरा सर्जरी के बाद वेट गेन हुआ था बिफोर फाटाफाटी, एंड फाटाफट के लिए मैंने 25 किलो वेट गेन किया, तो उतना भी नहीं लाइक, बट सर्जरी की वजह से मैं बेड रिडन थी, 5-6 किलो बढ़ गया था। तो बहुत ही अजीब गरीब लाइक पीपल कुड बी सो मीन, मैंने ऐसा भी कमेंट पढ़ा था, ऐसा लग रहा है किसी ने रिताबरी को खा लिया। ओके, बिकॉज आई यूज टू बी वेरी स्किन, इनफैक्ट जब मैं बहुत दुबली थी, साइज 0 थी बिकॉज ऑफ द करीना ट्रेंड, तब मैंने ये भी सुना हुआ है कि अगर आपको कोई हाथ पकड़ेगा तो टूट जाएगा, मैन लाइक फ्लैश दे डोंट लाइक बोन्स। तो मैंने दोनों साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम देखा हुआ है, वेर आई बीन शेम फॉर बी टू स्किनी एंड ऑल्सो शेम फॉर बींग फैट, विच इज़ वाई फाटाफाटी टॉक्स अबाउट सेल्फ लव एंड बॉडी पॉजिटिविटी। सो इट डजेंट मैटर आप दुबले हो या मोटे हो, लाइक जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, टैलेंट बड़ा होना चाहिए टू लिव अ लाइफ। इस तरीके फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, इसने भी देखा है, इसमें द रिव्यू विंस फाटाफाटी। हां
ऑल्सो आपको कंपेयर किया जा रहा है विद्या बालन के साथ और बहुत जन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जो कंपैरिजन हो रहा है जो वेट गेन किया किरदार के लिए? वेट गेन करना स्पेशली एकदम यू नो व्हेन यू आर अपने हीरोइन करियर फेज में बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गेन करना एक होता है, उसके बाद लूज भी करना होता है। एंड इंडस्ट्री में जैसे एक परसेप्शन है कि जैसी बॉडी होनी चाहिए, उस हिसाब से यू नो लाइक आज विद्या बालन इतनी बड़ी स्टार है एंड उन्होंने इतने सारे हिट्स दिए हैं विथ हर टैलेंट, उन्होंने शो कर दिया है। बॉडी मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है। इट्स एन ऑनर इफ आई एम कंपेयर्ड इवन विथ हर नेल, बिकॉज विद्या बालन इज सो टैलेंटेड। बट देन अगेन आई वुड से कि जितनी भी इस प्लस साइज क्या बोले स्टोरी को लेके अलग अलग फिल्में आई हैं इससे पहले, दम लगा के हशा हो या फिर विद्या बालन की कोई भी पिक्चर रही है, तो ये उससे अलग है, ये अपनी स्टोरी है। हर मोटी लड़की की स्टोरी सेम थोड़ी ना होगी, ये तो बहुत ही स्टेरियोटिपिकल हो गया है ना, ये उसकी अपनी नहीं है, उसकी और उसकी मिस एज आई सेड मिस एंड मिस्टर फटाफटी उन दोनों की साथ की जर्नी है, लाइक एंड हाउ दे फुलफिल अ कंप्लीट फटाफटी लाइफ। फर्स्ट टाइम होगा जो ग्रैंड स्केल में बंगाली मूवी यहां पर प्रीमियर हो रही है, बहुत कम देखने मिलती है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, मैं ये ब्रिज इस गैप को कम करने की कोशिश कर रही हूँ कि बंगाली फिल्म्स लाइक यू नो दे इतने अच्छे काम हम भी करते, इतना मेहनत हम भी करते, एक साल दिया मैंने इस मूवी को एंड उसके बावजूद भी होता है ना कि हम कहीं ना कहीं वी आर लाइक अ छोटी इंडस्ट्री एंड हिंदी इज ऑलवेज द बिगेस्ट इंडस्ट्री, अगेन स्केल वाइज नो कंपेरिजन इट इज़ द बिगर इंडस्ट्री, लेकिन हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं मैं चाहूँ कि लोग देखें उन्हें भी पता चले। जैसे ये सब्जेक्ट जो है ना ये कोई हिंदी बंगाली सब्जेक्ट नहीं है, बॉडी शेमिंग कहीं की भी सब्जेक्ट है, सो मुझे लगता है ये कहानी की रिलेटेबिलिटी अगर लोग देखेंगे किसी भी भाषा में देखेंगे सबटाइटल्स के साथ देखें वो कनेक्ट कर पाएंगे। सो व्हाट यू वुड लाइक टू से ऑन दिस, क्योंकि बंगाल में पूरा शूट किया गया स्पेशली इन व्हिच यू आर सिटिंग इन द ट्रेन एंड यू आर डूइंग दैट। थैंक यू फॉर लविंग फटाफटी। एज शी वाज सेइंग कि ये कहानी बहुत ही यूनिवर्सल है, इसमें कुछ बंगाली भी हो सकती है, ये हिंदी भी हो सकती है इसमें, एंड इन टुडेज़ टाइम स्पेशली आफ्टर द एडवेंट ऑफ OTT अभी लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, पीपल दे वॉन्ट टू सी गुड कंटेंट। तो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड फ्रॉम टीम फटाफटी दैट वी आर हैविंग अ स्क्रीनिंग हियर इन मुंबई। देखिए एक आर्टिस्ट सब हर टाइम वो वही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास वो पहुँचे, और ये जो स्टोरी लाइन है ये जो हमने यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि डोंट जज अदर्स, यू डोंट नो व्हाट पेन व्हाट स्ट्रगल दे आर गोइंग थ्रू, बीट बॉडी शेमिंग बीट बॉडी पॉजिटिविटी व्हाटएवर इट इज, डोंट जज अदर्स। सो जितना मैक्सिमम ऑडियंस ये अगर ये फिल्म देखेगी तो वी विल बी वेरी हैप्पी, सो दैट्स व्हाट। We'll definitely put forward this suggestion to our makers. And it's not a bad suggestion, yeah, because if Money Heist can be like, you know, seen in English after being such a Spanish hit show and can be received everywhere, मुझे नहीं लगता language और barrier है। लोगों को कंटेंट देखना है, अच्छी कहानी देखनी है, एक यू नो एवरीबडी वॉन्ट्स एंटरटेन, नो बडी गिव्स इट यू नो शिट अबाउट क्या लैंग्वेज है एनी मोर, एज लॉन्ग एज वो आपके साथ कनेक्ट करता है, चाहे वो इजरायली हो स्पेनिश हो मराठी हो कुछ भी हो। जस्ट इन सेलिब्रेट योर सेल्फ, देर इज़ नो हार्म इन सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ये बोलना बहुत आसान होता है, करके दिखाना बहुत ही कठिन होता है, सो यू कैन टेक द क्यू फ्रॉम मिसेस फटाफटी। आप जो भी काम कर रहे हो मन लगा के करो, जी और जान लगा के करो, अच्छा ही होगा, औरों के बात मत सुनो इतना, क्योंकि आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम हमें भी पता चलता है कि ये तो ट्रोलिंग हो रहा है इस, और कोई अगर हमारे रिलेटिव्स हो अगर आके पूछेंगे कि आप मोटे हो जा रहे हो आप दुबले हो, तो उसमें कंसर्न दिखता है, लेकिन अगर नॉर्मल पब्लिक ऐसे बोलेगा ना कि तू तो बहुत मोटी है तेरे शादी नहीं होने वाली है, एज इफ दैट्स ओनली ऑब्जेक्टिव वी हैव, सो यू कैन डिफरेंशिएट एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ एंड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी जजमेंटल, दैट्स इट। थैंक यू।